राम मंदिर निर्माण में आस्था के साथ सामाजिक समरसता भी हिलोरे मार रही है। धार्मिक बंधन टूट रहे हैं। रामलला से प्रेम में धार्मिक बंधन छूट रहे हैं। तीन तलाक पीड़िताएं 26 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन करने पहुंच रही हैं। वो न सिर्फ रामलला को निहारेंगी बल्कि अपने हाथों से बना वस्त्र भी भेंट करेंगी। यह वस्त्र बरेली की मशहूर जरी जरदोजी से तैयार हो रहा है। मंदिर निर्माण में योगदान देने के लिए तीन तलाक के खिलाफ मुखर मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाएं अभियान चलाकर सहयोग राशि जुटा रही हैं। ये महिलाएं बरेली, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, प्रयागराज समेत 30 जनपदों से चंदा जुटाएंगी। फरहत कहती हैं जो भी राशि एकत्रित होगी उसे वो राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप देंगी। कई वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी फरहत कहती हैं ईदगाह के लिए हिंदू समुदाय ने जमीन दान में दी, हम तो मंदिर निर्माण में सहयोग क्यों नहीं कर सकते। तो वहीं रामलला को जो वस्त्र सौंपे जाएंगे वो मोती जड़ित होंगे। महिलाओं का कहना है कि उन्हें ट्रस्ट से अनुमति मिले हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें ट्रस्ट से अनुमति मिले तो वो हर साल रामलला के लिए अपने हाथ से वस्त्र तैयार करेंगी। दरअसल मेरा हक फाउंडेशन से जुड़ी महिलाएं जरी जरदोजी का काम करती हैं। इसका बारीक काम हाथ से ही किया जाता है। तो वहीं मंदिर निर्माण के लिए संघ के अभियान को कई जगहों पर मुस्लिम समाज का खुलकर सहयोग मिला। 2 साल पहले पाटन नेपाल के डॉक्टर दंपति हामिद मंसूरी और मुमताज ने दान देने के साथ ही रामलला के दर्शन किए थे। तमिलनाडु के WUS हबीब ने दान देते हुए कहा कि वह हिंदू मुसलमान में सौहार्द देखना चाहते हैं। हाल में काशी प्रांत के 27 जिलों में 4000 से अधिक मुसलमानों ने सहयोग राशि दी है। इतना ही नहीं, इन सब के बाद जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तैयारियां अपने बृहद रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। समाज और धर्म के सारे बंधन टूटते जा रहे हैं और सब बस रामलला के दर्शन के लिए उतावले हो रहे हैं। जिस प्रकार से मुस्लिम महिलाएं चंदा इकट्ठा करके रामलला के लिए वस्त्र भेंट करने के लिए तैयार हैं और ट्रस्ट को चंदा सौंपने के लिए तैयार हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से राम युग आने वाला है जिसमें ना कोई धर्म का बंधन होगा, जिसमें ना कोई जाति की भेद होगी। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अनेक खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।